देखा, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक। हाँ देखो, थोड़ा सा दिमाग सही जगह पे खर्च करने की जरूरत होती है, बाकी सब आसानी से हो जाता है। अभी करती रहोगी कि कुछ आगे भी बोलोगी? ओके, आई एम फीलिंग रिलीव। ओके नाइस। देखो, तुम्हारे पापा की स्माइली भी आ गई, कह रहे एंजॉय बेटा जी। थैंक यू पापा जी, ऐसे तुम्हारे पापा को पसंद बढ़ाओ मैं। इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, हंसे नहीं तो क्या करें, तुम्हारी तरह बेकार बेवजह पैनिक करते रहे। क्यों भाई? एक तो ना मेरी पैनिक ना बेवजह नहीं होती, ठीक है, जायज होती है। और हाँ, एनीवे इट्स ऑल योर फॉल्ट, राइट? मेरा फॉल्ट? इसमें भी मेरा फॉल्ट है? क्या बात है। नहीं, खुराना आंटी से तुम मिली, ये भी मेरा फॉल्ट। खुराना आंटी ने तुम्हारी फोटो खींची, ये भी मेरा फॉल्ट। हम दोनों यहाँ बैठे, ये भी मेरा फॉल्ट है, बोल दो। हाँ, ये स्टूपिड हनीमून का प्लान तुम्हारा आइडिया था, सो इट्स योर फॉल्ट। ये खुराना आंटी को किसी के घर में सुकून पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कहते इला, अरे उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मुझे पता है ना उनका नेचर, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे की खुशी में कभी खुशी महसूस नहीं होती। तो तुम उन्हें थोड़ा भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दोगे? मुझे पता है ना वो क्या काम करते हैं। और ये खुराना आंटी दूसरों के घरों में जा जाकर उलझल उल बकती हैं। लेकिन चाची, उस लड़की को खुराना आंटी तो क्या मैं देखती तो भी धोखा खा जाती। मतलब एक तो वो बिल्कुल मीरादी जैसी दिख रही थी, ऊपर से वो ड्रेस हम दोनों ने साथ में खरीदी थी। अरे, एक जैसे ड्रेस तो कई लोगों के पास होते हैं, एक ब्रांड एक जैसे हजारों कपड़े बनाता है। हाँ चाचू, पर मीरादी तो हजार नहीं है ना, और वो लड़की बिल्कुल मीरादी जैसी थी।